सो हे गाइस, वेलकम बैक टू केटी क्रिएटर्स। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज के अपने इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। अक्सर आप सभी ने साउथ इंडियन मूवी के शुरुआत में जरूर देखा होगा प्रोड्यूस्ड बाय मनीष शाह, और आपके दिमाग में भी ये जरूर आता होगा कि मनीष शाह कौन है और ये क्यों लिखा आता है कि क्या साउथ इंडिया की सारी मूवीज को मनीष शाह ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम आपको आज की इस अपनी लाइफस्टाइल वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप भी मनीष शाह के फैन है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसके साथ ही साथ हम आपके साथ गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स के बारे में भी कुछ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन है गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स के ओनर। दोस्तों, आपने बाहुबली मूवी को तो जरूर देखा ही होगा और बाहुबली मूवी ने साउथ इंडियन इंडस्ट्री को बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया है। आजकल साउथ इंडियन मूवीज को इंडिया में खूब पसंद भी किया जाता है। आज के समय में जो भी साउथ इंडियन मूवीज रिलीज हो रही है वो ऑल इंडिया में खूब पसंद की जाती हैं और उनके एक्टर्स की भी खूब फैन फॉलोइंग बढ़ती ही रहती है। लेकिन अगर बात करें उस व्यक्ति की जिनकी वजह से साउथ इंडियन मूवीज आज इतनी सक्सेसफुल हो पाई हैं, उनका नेम है मनीष शाह। मनीष शाह ने शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे डबिंग आर्टिस्ट को हायर किया और उनसे साउथ इंडियन मूवीज की डबिंग करवाई। ये सब करने की वजह से दो फायदे हुए, एक तो साउथ इंडियन मूवीज को बहुत बड़ी रीच मिली और डबिंग आर्टिस्ट को भी एक अलग पहचान और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और इसकी वजह से बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट को काम भी मिला और वो अपने स्पेसिफिक एक्टर्स की आवाज बन गए। हम जो बाहुबली और केजीएफ जैसी फिल्मों की बात कर रहे हैं वो पिछले कुछ सालों में बनी, लेकिन एक ऐसे शख्स भी थे जिन्होंने सन 2000 में भाप लिया था कि साउथ इंडियन मूवीज को भी ऑल इंडिया में देखा जा सकता है और इसका भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, और इस आदमी का नेम था मनीष शाह। मनीष शाह ने सन 2000 में गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स की शुरुआत की और इन्हीं की कंपनी की वजह से साउथ इंडियन मूवीज को टीवी पर आने का मौका मिला। मनीष शाह की कंपनी की मूवीज वन मैन आर्मी, डॉन नंबर वन, इंदिरा द टाइगर, किंग नंबर वन साउथ की वो शुरुआती मूवीज हैं जो कि टीवी पर आना शुरू हुई और यहां से लोगों का इंटरेस्ट बनने लगा साउथ मूवीज की तरफ। जब इन मूवीज की शुरुआत हुई तो हफ्ते में एक ही दिन इन मूवीज को टीवी के चैनल्स पे चलाया जाता था और बाकी 6 दिन बॉलीवुड मूवीज को ही चलाया जाता था। और जैसे जैसे लोगों का साउथ मूवीज की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लगा और इनकी मूवीज की टीआरपी बढ़ने लगी तो बहुत सारे टीवी चैनल्स पे साउथ मूवी ही दिखाई जाने लगी, और इसके वजह से टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। और इसके बाद दिन भर टीवी चैनल्स पे ही साउथ मूवी ही टेलीकास्ट होती रहती थी, और इसके वजह से साउथ मूवीज को भी बहुत ज्यादा रीच मिली और साउथ इंडियन एक्टर्स की भी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई। आज जो इन साउथ इंडियन मूवीज को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है उस सब के पीछे मनीष शाह सर का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ रह चुका है। टीवी पर सक्सेस हासिल करने के बाद ईयर 2012 में मनीष शाह ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और इसका भी इन्होंने नाम रखा गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स। और धीरे धीरे मनीष शाह के इस यूट्यूब चैनल पे मिलियन फॉलोअर्स हो गए और करंटली मनीष शाह के गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स नाम के यूट्यूब चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और इनके इस YouTube चैनल पे हर महीने बहुत अच्छी अच्छी साउथ इंडियन मूवीज रिलीज की जाती हैं, जिनको लोगों के द्वारा भी खूब पसंद किया जाता है। मनीष शाह का ये YouTube चैनल इंडिया का सबसे बड़ा मूवी चैनल है और मनीष शाह की वजह से साउथ इंडिया के बहुत सारे एक्टर्स की फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है। मनीष शाह की वजह से साउथ इंडियन मूवीज की बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने लगी, और अगर मनीष शाह किसी फ्लॉप फिल्म को भी हिंदी में डब करवा दे तो वो भी बहुत अच्छा कलेक्शन कर लेती है। मनीष शाह अपने गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स नाम की यूट्यूब चैनल पे लोगों को फ्री में हिंदी डब मूवीज दिखाते रहते हैं, और जो भी उससे एड रिवेन्यू की मदद से पैसा मिलता है उससे वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं। एड रिवेन्यू की मदद से भी मनीष शाह मंथली करोड़ों रुपीज की अर्निंग कर लेते हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद भी हमें मनीष शाह के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हो पाई। बस आपको मनीष शाह के बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मनीष शाह गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स नाम की कंपनी के मालिक हैं। चलिए आपको जवाब देते हैं कि क्या मनीष शाह इन सारी मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। जैसा कि आपको सारे साउथ इंडियन मूवीज की शुरुआत में देखने को मिलता है प्रोड्यूस्ड बाय मनीष शाह। मनीष शाह को हम एक्चुअल प्रोड्यूसर नहीं कहेंगे, मनीष शाह एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस की मूवी को हिंदी में डब करके हमें प्रेजेंट करते हैं। मनीष शाह साउथ इंडियन मूवीज के नेगेटिव राइट को खरीदते हैं कंपनी से और इन मूवीज को हिंदी में डब करके अपने यूट्यूब एंड टीवी चैनल पे प्रेजेंट करते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। और अगर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म को मनीष शाह की हिंदी डब मूवीज की जरूरत होती है तो वो मनीष शाह से इनकी राइट्स खरीद लेती हैं, और इन सारी तरीकों से मनीष शाह अपनी इनकम जनरेट करते हैं। मनीष शाह करोड़ों रुपए लगा दे
देते हैं नेगेटिव राइट खरीदने के लिए साउथ मूवीज के और उसके बाद और भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनको डब करने में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो साउथ इंडियन मूवी आप हिंदी में डब देखते हैं उनको भी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो कि मनीष शाह अपने जेब से देते हैं, और इन मूवीज के राइट्स मनीष शाह के पास ही होते हैं। पर आजकल मनीष शाह फोकस कर रहे हैं और भी लैंग्वेजेस की मूवीज को हिंदी में डब करने के लिए, और मनीष शाह को ही अपना इंस्पिरेशन लेते हुए और भी बहुत सारी कंपनीज इस फील्ड में उतर चुकी हैं। और आजकल फिल्म्स के प्रोड्यूसर खुद ही फिल्म्स को डब करवा के रिलीज करते हैं जिससे वो और भी मूवीज के प्रॉफिट अर्न कर सके। मनीष शाह ने अपने इंटेलिजेंस के मदद से बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दी है। मनीष शाह की वजह से साउथ इंडियन मूवीज को एक अलग पहचान मिली, डबिंग आर्टिस्ट को भी काम मिला और साउथ इंडियन एक्टर्स की भी फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है। और मनीष शाह के वजह से ही बहुत सारी नई कंपनीज डबिंग इंडस्ट्री में उतर चुकी हैं, और मनीष शाह के वजह से ही हम बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज को फ्री में हिंदी डब देख सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी एक मनीष शाह को डेडिकेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस का भी नेम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जिनकी लाइफस्टाइल वीडियो आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं।